नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। सीएम नीतीश ने 70 घाट पुल का किया लोकार्पण, 400 करोड़ से निर्मित योजनाओं का किया लोकार्पण। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, जदयू में मचने वाला है भगदड़, खत्म होने वाली है पार्टी। जेडीयू को बड़ा झटका, पूर्व एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी ने दिया इस्तीफा, राजद का थामेंगे दामन। पूर्व डीजी, एक्स एमएलसी समेत कई नेताओं ने राजद के थामे दामन, तेजस्वी यादव ने पार्टी में कराया शामिल। तेजस्वी ने सेट कर लिया बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा, अब की बार किसानों के हक के लिए लड़ेगा लालू के लाल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक योजनाओं पर काम पूरा कर लिया जाए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने 400 करोड़ रुपये से अधिक राशि से निर्मित पुल की दो परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके अलावा लखीसराय बाईपास रोड का भी उद्घाटन किया है। वहीं 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित रोहतास के सासाराम उत्तरी बाईपास योजना का भी शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने आज संवाद में आयोजित कार्यक्रम में गंडक नदी पर 263.47 करोड़ की लागत से 70 घाट पुल और 146.31 रुपए की लागत से बने लखीसराय बाईपास रोड का उद्घाटन किया है। गंडक नदी पर निर्मित 70 घाट पुल सारण और तिरहुत प्रमंडल को आपस में जोड़ेगा। 1440 मीटर लंबे पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने किया है। पटना से खबर है, राजद विधायक एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि जल्द ही जदयू में भगदड़ मचने वाला है और उस पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त होने वाला है। दरअसल आज जदयू के पूर्व एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी ने जदयू के अलविदा कहते हुए राजद का दामन थाम लिया। उनके साथ ही सगुन सिंह, बिहार के पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता, रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर, एमएलसी शिव पर्सन यादव के पुत्र शैलेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ राजद में शामिल हुए। इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने राजद को मैंडेट दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीएम नीतीश कुमार, जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसी के साथ चले गए। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, झूठ बोलकर राजद से अलग हो गए, लेकिन झूठ की खेती ज़्यादा दिन नहीं चलती है। आगामी चुनाव में जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। आज राजद कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डीजीपी एवं जदयू पूर्व विधान पार्षद एवं सगुन सिंह तमाम कई कार्यकर्ता राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार पूरी तरह से घर में कैद है और गरीबों की फिक्र नहीं है। लगातार कोरोना को लेकर गरीब मर रहे हैं और यह सरकार सोई हुई है, चुनाव में लगे हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि डिजिटल रैली में बीजेपी करोड़ों खर्च कर देती है, लेकिन जनता के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। 24 तारीख को नीतीश कुमार के घर से ही नहीं निकले हुए 100 दिन पूरे हो जाएंगे और वहीं उन्होंने सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगाए। साथ ही कहा कि यहाँ की जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार से त्रस्त है और आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि जनता के साथ नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है, उसको लेकर जनता पूरी तरह से एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता नीतीश कुमार को करारा जवाब देगी। मुख्यमंत्री जी को बड़ा देर बाद याद आ रहा है, एक लौता ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरा कोरोना महामारी में घर से भी निकले, इतने बड़े डरपोक। आप समझ सकते हैं
आज 92 दिन हो गया और हम लोग जब 90 दिन पूरा हो गया था तो पोस्टर निकाले थे कि 2160 घंटा हो गया बिहार के मुख्यमंत्री अपने आलिशान आवास से बाहर ही नहीं निकले। अब बताइए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं है लोगों के दुख दर्द में सहारा बनने का, मजदूरों से मिलने का, पीड़ितों से मिलने का, उनके लिए व्यवस्था कराने का। तो माननीय मुख्यमंत्री जो है आराम के अलावा और कुछ नहीं करना। आज राजद कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राजा देवरिया नेता अब्दुल बारी की सिद्दीकी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ ढकोसला की सरकार है और चोर दरवाजे से आई है। 2015 में जनता ने लालू यादव को चेहरे देखकर चुनाव में जीत दिलाया था, लेकिन बीच मझधार में ही जदयू नेता नीतीश कुमार ने धोखेबाजी कर बीजेपी के साथ चोर दरवाजे से सरकार बना ली। लेकिन जनता सभी चीज़ जानती है और चुनाव भी आने वाला है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता नीतीश कुमार को हराएगी और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे और तमाम जनता ने यह प्रतिज्ञा ले लिया है कि किसी भी कीमत पर डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब तो सच की विजय होती है और आज न कल, हम तो कहते हैं आज न कल नहीं, आने वाले चुनाव में जो हमारे बिहार के गरीब हैं, जो हिमायती हैं बराबरी का, जो हिमायती हैं सामाजिक न्याय का, जो हिमायती हैं सांप्रदायिक सद्भाव का, जो हिमायती हैं गरीबों के और सबके विकास का, वो उनको मौका मिलेगा जरूर 4 महीना के बाद कि अपने मत के द्वारा वो साबित करेंगे कि हम गैर बराबरी का समाज बनाकर रखना चाहते हैं या समरस समाज बनाना चाहते हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला समाज बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो आए हम लोगों को नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अब तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ यह खासियत है कि जो अब हम लोग तो एक तरह से 60-65 पे पहुंच। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हैं हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के मैरिन ड्राइव रोड स्थित सिकंदरपुर मन में तैरता हुआ बच्ची का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव जब मन से बाहर निकाला तो मृतिका के दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे, आंख भी निकले हुए थे।
सबको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची की हत्या कहीं और कर सिकंदरपुर मन में फेंक दिया गया है। वहीं शव की बरामदगी की सूचना पर हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ सबको देखने के लिए जुटने लगी। वहीं नगर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। वहीं पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं शव की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुलिस लाइन के निकट रहने वाले चंदन पासवान की पुत्री सोनाक्षी कुमारी के रूप में हुई है, जो 2 दिन पहले अपने घर से लापता थी। परिजन द्वारा लापता की सूचना अहियापुर थाना में दी गई थी। देखे कि एगो लाश था पानी में, आदमी सब भीड़ लगाया तो खबर हुआ, प्रशासन आया, निकला गया तो लड़की का लाश था, गोर हाथ बांधल था, आँख उख बहल था, निकला हुआ था। खबर पटना से है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी पार्टियां चुनाव में एजेंडा सेट करने में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नए मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने बिहार के किसानों के मुद्दों को लेकर CM नीतीश सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा इसको लेकर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखा है। खबर नवादा से है। जिले में प्रवासी श्रमिक का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर 1600 प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन नवादा पहुंची। ट्रेन के नवादा स्टेशन पहुंचते ही जिला प्रशासन की ओर से सभी यात्रियों की स्टेशन पर स्कैनिंग की गई, फिर उन्हें उनके गृह स्थान के लिए रवाना किया गया। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस ट्रेन में सफ़र कर रही एक प्रवासी महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इधर नवादा प्रशासन को इस बात की खबर लगते ही जैसे ही ट्रेन नवादा स्टेशन पहुंची, सबसे पहले महिला को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला और बच्चे की पूरी जांच की गई। बिहार के वैसे सरकारी विद्यालय जिनके नाम में हरिजन शब्द जुड़े हैं, उस स्कूल के नाम से हरिजन शब्द हटाने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वैसे विद्यालय जिनके नाम में हरिजन शब्द जुड़े हैं, उनके नाम से हरिजन शब्द हटाकर अनुसूचित जाति स्थायी रूप से प्रतिस्थापित कर दें, साथ ही इसकी सूचना 15 दिनों में उपलब्ध कराएं। खबर नालंदा से है। जिले में आज में आउटसोर्स के माध्यम से डाटा एंट्री का कार्य कर रहे कर्मियों द्वारा प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया गया। डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने समायोजन की मांग को लेकर आज बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना देते हुए कार्य का बहिष्कार किया। धरना में सदर अस्पताल, हरनौत, सिलाव, गिरियक, राजगीर समेत अन्य अस्पतालों के डाटा ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया। आउटसोर्स डाटा ऑपरेटर संघ समिति के बैनर तले धरना पर बैठे कर्मियों ने टाइपिंग टेस्ट परीक्षा एवं आरक्षण रोस्टर पर विरोध जताया। समिति के जिला संयोजक सन्नी कुमार ने बताया कि हम लोग कई वर्षों से डाटा ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, ऐसे में नए सिरे से जांच एवं परीक्षा लिया जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। काम कर रहे ऑपरेटरों को नई एजेंसी समायोजित करे, इसके बाद रिक्त पदों पर अपनी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहे हैं हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान,
और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के पीछे बॉलीवुड के कथा कथित अभिनेता और अभिनेत्री की संकुचित मानसिकता के खिलाफ आज पटना के कदम कुआं में बिहारी युवाओं द्वारा बॉलीवुड के खिलाफ पुतला दहन किया गया और बॉलीवुड के खिलाफ भी नारेबाजी किया गया। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का CBI जाँच करवाने की मांग भी किया गया। हम लोग को जैसा लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये पहली बॉलीवुड का जो आपराधिक माफिया लोग हैं उन्होंने ऐसा करवाया है। हम लोग मांग करते हैं कि इसका CBI जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या को अब एक साजिश बताया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह सहित कई कार्यकर्ता बॉलीवुड के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला जलाया, साथ ही यह विरोध जताया कि यह एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, न कि वह आत्महत्या है। साथ ही कई बॉलीवुड अभिनेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की मिस्ट्री को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही, CBI से भी जाँच कराने की मांग की, नहीं तो आगे सड़कों पर इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा। साइड किया गया इनके तरह से, फिल्म को छीनी गई। लगता है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि ये साजिश हुई है इनकी हत्या। बिल्कुल ये हत्या की साजिश है, उकसाने की साजिश है, हत्या सिर्फ हत्या, खुद जो उन्होंने सुसाइड किया बात इसकी नहीं है। किसने मजबूर किया उनको सुसाइड करने पर? एक गरीब घर के एक छोटे परिवार के लड़का जो बिहार के पूर्णिया शहर से आते हैं, पूर्णिया जिला छोटे जिला से आते हैं, और उनको जिस तरीके से मानसिक प्रताड़ना की गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की बू आती है इसमें। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लोजपा पार्टी कार्यालय में बिहार संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और लोजपा विधायक राजू तिवारी ने बैठक में अधिकारियों को चुनावी तैयारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लोजपा बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने यह बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश के बाद 119 सीटों पर बूथ कमेटी तैयार हो गई है और 25,000 सदस्यों को तैयार कर लिया गया है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है इस पर बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार 119 सीटों पर तैयारी की जा रही है। वहीं RCP सिंह द्वारा चिराग पर दिए गए बयान पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। हम लोग का काम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम लोग को निर्देश दिए हैं 119 सीट पे हम लोग की बूथ कमेटी तैयार हो गई है। 25,000 जो हम लोग के यहाँ सदस्य बनाना था वो तैयार हो गया है। लगभग 50 विधानसभा का बूथ कमेटी आ गई है और आगे हम लोग बैठक जल्दी करके 119 मतलब हम लोग पूरी 119 सीट के भी तैयारी में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।